वेलकम बैक फ्रेंड्स. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कैंसर एंड हाउ दिस कैंसर डिजीज इज बीइंग कॉज्ड बाय वायरसेस. सो द टॉपिक इज वायरसेस एंड कैंसर. वायरसेस एंड कैंसर. वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन. वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक वायरसेस एंड कैंसर. हाउ वायरसेस डज कॉजेज कैंसर. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कैंसर. हाउ इट कॉजेज कैंसर. क्या होता है आज हम ये देखेंगे. और डिफरेंट जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, ट्यूमरस वायरसेस होते हैं, ट्यूमरोजेनिक वायरसेस होते हैं, वो कैंसर कैसे कॉज करते हैं. सो कम टू द टॉपिक कैंसर. सबसे पहले हम कैंसर को डिफाइन करते हैं. कैंसर इज़ दैट टाइप ऑफ ड्रेडफुल डिजीज विच कैनॉट बी ट्रीटेड प्रॉपरली अनलेस एंड अनटिल इट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एट एन अर्ली स्टेज. ये एक ऐसा डिजीज़ होता है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल हम इसे अर्ली स्टेज में रिकॉग्नाइज कर ले. तो कैंसर बेसिकली होता कैसे है. कैंसर को हम डिफाइन कर सकते हैं. कैंसर इज़ दैट टाइप ऑफ डिजीज़ in which abnormal cells जो होते हैं वो uncontrolled way में divide करते हैं. they start to divide in an uncontrolled way, unregulated way या uncontrolled way. उनके ऊपर control नहीं रहता है. अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड वे में वो डिवाइड करते हैं. और इसका रिजल्ट क्या होता है. इसका रिजल्ट होता है कि वो बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. दे स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल्स. ओके. सो हम कह सकते हैं कि कैंसर में होता क्या है. एक्चुअली कैंसर में जो सेल्स का प्रोलीफरेशन हो रहा है, सेल्स जो प्रोलीफरेट कर रहे हैं, वो एकदम से एबनॉर्मल वे में उनका प्रोलीफरेशन होना शुरू हो जाता है. और इस एबनॉर्मल सेल प्रोलीफरेशन हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है. देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन, देयर इज़ नो एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ना तो वहाँ पे एपोप्टोसिस हो रहा है और ना ही वहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है. और सेल्स जो है वो उनका प्रोलीफरेशन जो है एक एबनॉर्मल वे में होता चला जा रहा है, अनकंट्रोल्ड वे में हो रहा है, अनरेगुलेटेड वे में हो रहा है. ओके. अब हम देखेंगे कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल काउंटर पार्ट होते हैं सेल्स के, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, जब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तभी वो कैंसरस सेल बन जाते हैं. तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नॉर्मल सेल्स जो ट्रांसफॉर्म्ड हो जा रहे हैं, जो कैंसरस वो बन जा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है. वो या तो म्यूटेशन की वजह से हो जाता है. This can be due to mutation. This can be due to activation of oncogene. Oncogene जो होते हैं, जब वो activate कर जाते हैं, activation उनका हो जाता है. Oncogenes means tumorous genes, tumor gene. जब उनका activation हो जाता है, तब वो cell जो है वो transformed हो जाता है. या फिर एक और reason है, tumor suppressor genes भी हमारे body में present होते हैं, जो कि tumors को suppress करने का काम करते हैं. जो लेकिन जब ये tumor suppressor gene जो हैं, जो tumors को suppress करते हैं, tumors को रोक देते हैं बनने से, suppression उनका करते हैं, जब उनका inactivation होना शुरू हो जाएगा, जब वो inactivate हो जाएंगे, due to this वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, वो tumors को suppress नहीं कर पाएंगे, and as a result क्या होगा, tumors का फॉर्मेशन होना शुरू होगा. तो जब इनएक्टिवेशन हो जाएगा ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का, तब हो सकता है कि नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कैंसरस सेल्स बन जाएं, या फिर ड्यू टू म्यूटेशन, जिसमें कि बहुत सारे केमिकल म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस भी रिस्पॉन्ड, मतलब वो करते हैं, एक्ट करते हैं,
या फिर वो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन हो जाता है, या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का इनएक्टिवेशन होने की वजह से भी सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं और नॉर्मल सेल्स जो है वो कैंसरस सेल बन जाएंगे. एंड देन आफ्टर दे विल बिहेव लाइक अ ट्यूमरोजेनिक सेल, वो ट्यूमरस सेल्स के रूप में बन जाएंगे और वो बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे. तो ये क्योंकि अब हम कैंसर जो है वो पढ़ रहे हैं वायरसेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये ज़रूरी है जानना कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो हैं वो क्या होते हैं. सो लेट्स कम टू ऑन्कोजेनिक वायरसेस. तो जो भी वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं, दोज टाइप ऑफ वायरसेस विच कॉज कैंसर्स आर नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरसेस. उन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं. तो इसके भी कुछ कैटेगरीज अब हम देखेंगे कि कुछ केसेस में देखा जाता है कि सेल के जो भी क्रोमोसोम होते हैं वहाँ पे जो वायरल डीएनए होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस के जो डीएनए होते हैं वो इंटीग्रेटेड रहते हैं, वो वहाँ पे अटैच्ड रहते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहते हैं. कुछ केसेस, ये तो हो गया पहला केस. दूसरे केसेस में हम लोग देखते हैं कुछ केसेस में कि जो सेल्स का जो क्रोमोसोम होता है उसमें वायरस का जो डीएनए होता है वहाँ पे, जो वायरल डीएनए होता है वो ट्रिपल सी डीएनए के फॉर्म में रहता है. ट्रिपल सी का मतलब यहाँ पे हो गया कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए. तो ये कुछ केसेस में देखा गया है कि कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में जो वायरल डीएनए होता है वो सेल्स के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. या फिर जो ज़्यादा जो कुछ केसेस में ये भी देखा गया है, थर्ड केस में आपको बता रही हूँ, कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो भी वायरल के जीन्स होते हैं वो सेल के अंदर, सेल के क्रोमोसोम्स सेल के अंदर वो एक्सप्रेस कर जाते हैं. ओके, उनका एक्सप्रेशन हो जाता है और एक्सप्रेशन जब वो हो जाते हैं, एक्सप्रेशन जब उनका हो जाता है तो वो ट्यूमरस बन जाते हैं. वो सेल्स जो हैं वो ट्यूमरस सेल्स बन जाते हैं एंड देन आफ्टर उनका जो डिटेक्शन होता है वो किया जा सकता है. तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की बात कि कैंसर्स के केस में जो सेल्स के क्रोमोसोम में जो भी वायरस का डीएनए जाकर इंटीग्रेट करता है या फिर वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है सीसीसी फॉर्म में या फिर वो एक्सप्रेस कर जाता है. तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की बात. अब हम देखेंगे कि जो कुछ केसेस होता है वायरल कैंसर का, वहाँ पे वायरसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. तो वायरसेस को जो देखा गया कि कैंसर्स के केस में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं थोड़ा ह्यूमन्स के केस में. ओके, ह्यूमंस के केस में हम देखते हैं कि एक वायरस है जिसे हम एडेनो वायरसेस बोलते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट उसका देखा गया है. एडेनो वायरसेस देखा गया है, ये ऑन्कोजेनिक होता है. इसमें हमने देखा कि जब हम कल्चर्ड सेल्स को जब हम लोगों ने इनविट्रो कल्चर किया और जब कल्चर्ड सेल्स में देखा गया, तो देखा गया कि ये एडेनोवायरसेस जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं. दे आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, और ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद ये क्या करते हैं, ट्यूमर्स कॉज कर सकते हैं. कब? जब हम इन्हें एनिमल सेल्स में इनोकुलेट करेंगे. आफ्टर इनोकुलेशन इट हैज़ बीन सीन दैट दे आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू कॉज ट्यूमर्स और कैंसर. लेकिन ह्यूमंस के केस में ये कैंसर कॉज करते हैं इसका अभी तक कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो नहीं मिल पाया है ह्यूमंस के केस में. बट ये रिपोर्टेड है कि एडेनोवायरसेस जो है, ह्यूमन एडेनोवायरसेस ये कैंसर कॉज करते हैं. तो एनिमल्स में इनको देखा गया है, ह्यूमंस के केस में इसका अभी तक कोई वैसा एविडेंस जो है वो नहीं मिला है. अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो ट्यूमरोजेनिक वायरसेस होते हैं या जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं वो उनका एग्जांपल क्या है, कौन से वो वायरसेस हैं. तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पैपिलोमा वायरसेस. ये जो हैं वो किस तरह के कैंसर कॉज करते हैं, वो सर्वाइकल कैंसर्स कॉज करते हैं ह्यूमंस में, सर्वाइकल कैंसर. ओके, फिर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे पोलियोमा वायरसेस जो हैं वो भी कैंसर कॉज करते हैं और इनका जो इम्पैक्ट है वो ब्रेन ट्यूमर्स के केस में देखा गया है.
ओके ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एक एग्जाम्पल है जिसे हम एप्स्टीन बार ईबीवी एप्स्टीन बार वायरस कहते हैं। ये जो एप्स्टीन बार वायरस होता है ये एक्चुअली नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस के हैं जो कैंसर क्रिएट कर रहे हैं। अब हम समझेंगे कि ये जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं वो कैंसर को कैसे डेवलप करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट जो है कैंसर का वो कैसे हो पा रहा है। ओके तो अब हम देखेंगे कि वायरसेस के थ्रू जो भी कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी में वो कैसे हो रहा है। ओके डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ओके यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि वायरस इंड्यूस्ड कैंसर जो भी होते हैं उनका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। दे आर हैविंग लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। उनका जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक लॉन्ग जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो फॉलो करता है और तब जा कर के कैंसर जो है वो वायरल कैंसर वो डेवलप कर रहा है। ओके सो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन एक टर्म है, यहाँ हम पहले देख लेते हैं जो भी जस्ट आफ्टर परसिस्टेंट इन्फेक्शन, परसिस्टेंट इन्फेक्शन क्या हो रहा है विथ वन वायरस। अगर मान लीजिए किसी एक वायरस का परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल होता है वो उसके बाद जो है वो लॉन्ग बहुत लंबा समय जो होता है वो लग जाता है कैंसर को डेवलप करने के लिए। और जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, जैसे एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया जो होता है, आपने सुना होगा उसके बारे में, इस कैंसर के बारे में। एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया को डेवलप करने में अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर 60 साल का जो टाइम है वो लग जाता है। और ये सबसे मतलब जो सरप्राइजिंग बात है वो यहाँ पे ये है कि होस्ट का अपना इम्यून रिस्पॉन्स होने के बाद भी इतना लंबा ड्यूरेशन जो है वो बॉडी में रह सकता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो लेटेंट इन्फेक्शन का पढ़े थे जो वायरसेस के केस में, वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर बॉडी में जो वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके प्रेजेंट रहने के बाद भी जो वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं वो रह सकते हैं बॉडी में लंबे समय के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्स्टीन बार वायरस के बारे में मैंने बताया था आपको, एप्स्टीन बार वायरस जो है वो रह सकते हैं। और इस तरह के वायरसेस जो हैं वो लेटेंट रहते हैं, वो छुप कर रहते हैं, दिस बिकम लेटेंट। ओके और कुछ ही वायरस जो होते हैं वो कुछ ही वायरल जीन्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सम ऑफ द वायरल जीन्स कैन एक्सप्रेस, कुछ वायरल जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्ट ऑफ द जीन्स जो रहते हैं वो लेटेंट रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए वो रह जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके उनका एक बहुत लंबे समय के बाद उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गई लेटेंट इन्फेक्शन। अब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था लेटेंट इन्फेक्शन और प्रोडक्टिव इन्फेक्शंस के बारे में, तो अब हम देख लेते हैं प्रोडक्टिव इन्फेक्शंस में भी अगर कुछ वायरसेस होते हैं तो वो क्या है। प्रोडक्टिव इन्फेक्शंस में जो सबसे कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं वायरस का, वो है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस HBV एंड HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये हो गए कि ये प्रोडक्टिव इन्फेक्शंस जो है वो शो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें जिसमें कि हम ये जानेंगे कि होस्ट के अंदर जो भी होस्ट होते हैं, हमें ये लगता है कि होस्ट के अंदर एक्चुअली होस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि वायरल कैंसर्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरल जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं या ऑन्कोजेनिक वायरसेस ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो भी परसिस्टेंट इन्फेक्शंस होते हैं उनका जो उनमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वायरल कैंसर्स का, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका जो परसेंटेज है वो बहुत लो, बहुत लेस देखा गया। तो इट मींस कि नॉट ओनली वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर,
होस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर्स को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ वायरस ही रिस्पॉन्सिबल होता या वायरल जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते कैंसर के लिए तो उनका परसेंटेज ज़्यादा होता, लेकिन परसेंटेज जो है डेवलपमेंट का परसिस्टेंट इन्फेक्शंस के बाद वो बहुत कम देखा गया है। परसिस्टेंट इन्फेक्शंस में बहुत कम परसेंटेज देखा गया कैंसर डेवलपमेंट का। तो इससे आई ये सारी बातें सामने कि भाई होस्ट में और भी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, तो हम वो सारे फैक्टर्स को देखेंगे। नॉट ओनली वायरसेस, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि होस्ट का जो अपना जेनेटिक होस्ट का जो भी जेनेटिक फैक्टर्स होता है वो भी बहुत बार कई बार जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। होस्ट का जेनेटिक फैक्टर्स कई बार जो है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो होस्ट का एक्सपोजर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, होस्ट अगर उस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सपोज हो रहा है तो वो भी उनको उसको अफेक्ट करते हैं। और कई बार जो होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी भी रिलेटेड होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है होस्ट के बॉडी में कैंसर्स को डेवलप करने के लिए। सिर्फ एक्चुअली ये जो फैक्टर्स है वो वायरल कैंसर्स को ही डेवलप करवाते हैं, लेकिन वायरसेस के अलावा भी ये सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बॉडी में वायरल कैंसर को डेवलप कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वायरसेस एंड कैंसर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।